हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में मॉडल पेपर 2021 के सेक्शन बी का एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। उस पोर्शन का नाम क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजबरा। उसी सेक्शन बी के अंदर एक और भी क्वेश्चन है सेक्शन बी का, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी बुक में चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होती है और चैप्टर नंबर 13 पे ख़त्म हो जाती है। तो वो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के जो कि रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं, वो ये हैं जो मॉडल पेपर के अंदर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करवा चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। आज हम करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 के ख़त्म होने के साथ ही हमारा मॉडल पेपर का सेक्शन भी 100% कंप्लीट हो जाएगा। हर क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपने देखा था। तो चलिए सबसे पहले हम पहला पार्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में मॉडल पेपर में क्या दिया गया है। पार्ट नंबर 1 है, इफ़ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ 16 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाई व्हील ट्रेवल 7000 मीटर्स इन अ मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन 2 सेकेंड्स। वो ये कह रहा है कि एक फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील आपने फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में देखा होगा, मैट्रिक की चैप्टर था मशीन्स, उसमें भी पढ़ा होगा। खैर, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। वो फ्लाई व्हील जो है वो उसका डायमीटर है 16 सेंटीमीटर, यानी कि वो सर्किल है। तो 16 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और वो 7000 मीटर ट्रेवल करता है एक मिनट के अंदर। तो वो कहता है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, कितने एंगल्स होंगे, कितने रेडियंस होंगे, डज द व्हील टर्न इन 2 सेकेंड। तो अगर 7000 मीटर वो कवर कर रहा है 16 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ एक मिनट में, तो सवाल ये है कि 2 सेकंड में वो कितना एंगल हो जाएगा। तो फ्लाई व्हील असल में कैसा होता है, ये आपका एक सर्किल है, ये आपका सर्किल है और इस सर्किल का ये डायमीटर कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। तो आपने असल में एंगल बताना है। अब ये जो सवाल है, ये सवाल है एक्सरसाइज 9.1 से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन बिलोंग करता है एक्सरसाइज पार्ट 1। एक्सरसाइज 9.1 का अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो वो तकरीबन ऐसा ही है, यानी कि उसके अंदर 5040 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7000 लिखा हुआ है। उसमें मांगा गया है 1 सेकेंड के अंदर, यहाँ मांगा गया है 2 सेकेंड में। बट बहरहाल ये वाला जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, ये बुक में से नहीं दिया, पेपर बनाने वाले जो हैं उन्होंने ये क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया है। तो ये मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। चलिए सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डायमीटर हमें दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर दिया हुआ हो तो हम रेडियस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा रेडियस क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है रेडियस। अगर डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो 16/2 हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि आपका जो फ्लाई व्हील है वो 7000 मीटर एक मिनट के अंदर, एक इन अ मिनट माने 1 मिनट। तो अब इसको इस तरह लिखेंगे, फ्लाई व्हील ट्रेवल इन 1 मिनट। एक मिनट में कितना ट्रेवल कर रहा है, 7000 मीटर। तो अगर मैं इसके बजाय ये लिख दूं, फ्लाई व्हील ट्रेवल्स इन, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड्स में कितना ट्रेवल कर रहा है, 7000 मीटर। क्योंकि एक मिनट बोलें या 60 सेकंड बोलें, बात एक ही है, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है। अब मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, फ्लाई व्हील ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना करेगा, तो यूनिटरी मेथड इसके ऊपर लगाएंगे। अगर 60 सेकेंड में 7000 मीटर कर रहा है तो एक सेकेंड में करेगा 7000/60,
तो 7000 को अगर आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 116.67, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस मैंने कर दिया मीटर, एक सेकेंड में। लेकिन यहाँ पर एक सेकेंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात कितने सेकेंड की हो रही है, 2 सेकेंड की। तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फ्लाई व्हील ट्रेवल्स इन 2 सेकेंड्स। ये 1 सेकेंड का था, 2 सेकेंड का क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने आंसर को, तो ये आ जाएगा 233.33 मीटर। अब ये क्या चीज़ है, जो डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस असल में आर्क लेन है। तो ये हमारा एस आ गया 233.33 मीटर, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, क्योंकि हमें 2 सेकंड का डिस्टेंस चाहिए था। ये जो हमें दिया हुआ है 7000 मीटर, ये 1 मिनट का है, हमें 2 सेकंड का डिस्टेंस चाहिए। 2 सेकंड का डिस्टेंस आएगा तो हम एंगल निकालेंगे। अब अगर हमें आर्क लेंथ पता है, हमें रेडियस भी पता है। अब रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आर्क लेंथ दिया हुआ है मीटर में और ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 8/100 होता है 0.08 मीटर। अब यूनिट सेम हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 0.08 मीटर। उसने मांगा क्या है आपसे, एंगल मांगा है, थीटा क्वेश्चन मार्क। तो जनाब एंगल निकालना है, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। एस आपने निकाल लिया 233.33 अपॉन, आर भी आपके पास मौजूद है, कितना मौजूद है, 0.08। तो अब अगर आप इस आंसर को 233.33 को डिवाइड कर देंगे 233.33 डिवाइड बाय 0.08, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2916.625 रेडियंस। देखा आपने कितना आसान सवाल था। ये सवाल मैंने आपको बताया ना, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखेंगे तो उसमें और इसमें आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यूज़ का डिफरेंस है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा सवाल करवा दिया। अगर फिर भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं अब रब कर रहा हूँ। नाउ वी हैव टू सी पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट 1 + cot² π/3 इज इक्वल टू cosec² π/3 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कहते हैं अगर तुमने कैलकुलेटर में इसका आंसर निकाला तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सही आएगी, बट तुम्हें 0 मिलेंगे। तुम्हें बाकायदा cot π/3 की वैल्यू रखनी है, तुम्हें cos π/3 की वैल्यू रखनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे वर्किंग करनी है, राइट हैंड साइड पे वर्किंग करनी है, फिर दोनों का आंसर बराबर आएगा। ये वाला सवाल मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये सवाल एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि मैं ऑलरेडी जब चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहा था तो मैं करवा चुका हूँ। आपको चाहिए प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर फर्स्ट ईयर मैथ के फोल्डर के अंदर चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 आप जैसे ही खोलेंगे आपको वहाँ पर 9.3 क्वेश्चन नंबर 7 मिल जाएगा इंशाल्लाह। सही है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए इस तरह छोड़ा है कि ऑलरेडी सॉल्वड है, जो सॉल्व नहीं था जैसे ये सॉल्व नहीं था मैंने आपको करवा दिया। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 है, फॉर एनी ट्राइंगल ABC ड्राइव द लॉ ऑफ टेंजेंट। ये वाला पार्ट मैं पहले ही आपको बोर्ड पे समझा चुका हूँ,
लेक्चर नंबर 161 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है ये वाला पूरा लॉ ऑफ पेंडन, मैंने पूरा ड्राइव करके दिखाया था विद डेफिनेशन, काइंडली जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 162 है। अच्छा, थ्री में क्या है, चॉइस दी हुई है, कहता है या तो लॉ ऑफ टेंजेंट प्रूव करो और फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। ये भी देखें ऑलरेडी डन है, ये मैं करवा चुका हूँ लेक्चर नंबर 162 में, आप जाके देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, लेक्चर नंबर 162 में आपको नज़र आ जाएगा कि ये मैंने पूरा एक लेक्चर पूरा टेंजेंट्स के ऊपर दिया है, लॉ ऑफ टेंजेंट पे, और एक लेक्चर पूरा इस पे दिया है। ये लेक्चर नंबर 161 है, ये लेक्चर नंबर 162 है, तो आप देख लीजिएगा। अब हम जाते हैं इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट पे, पार्ट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। सॉल्व 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 रूट 2 साइन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये है चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 का से रिलेटेड क्वेश्चन, बट एक्सरसाइज 13.3 में नहीं है ये क्वेश्चन। ये कहाँ पर है, ये है 13.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 366। फिर बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया हुआ है ये एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 366 के ऊपर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको ये सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप देखिए इसके अंदर आपको ए क्या नज़र आ रहा है 2, इसके अंदर बी क्या नज़र आ रहा है जो साइन एक्स के साथ में लिखा हुआ है 2√2, और इसके अंदर आपको कॉन्स्टेंट क्या नज़र आ रहा है -3। मैं किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किससे कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b यानी कि 2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर -4, a है 2 और c है -3 का रूट अपॉन 2 × a क्या है 2। तो साइन एक्स बराबर आ गया -2√2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √2 से स्क्वायर कट गया क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगाएंगे तो 4 × 2 = 8 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 अपॉन 2 × 2 = 4 होता है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको ताकि क्लियर नज़र आए। प्लस माइनस अगर आप गौर से देखें तो 24 और 8, पहले इसको कर लेते हैं, 24 और 8 कितना होता है 32 अपॉन 4 साइन एक्स। 32 क्या होता है 8 × 4 = 32, तो या 4 × 8 = 32 करते हैं, बात एक ही है, या अगर चाहें तो इसको इस तरह लिख दीजिए 16 × 2 = 32, इस तरह कर लेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। देखिए 16 का रूट क्या होता है 4, तो अंदर क्या आ गया 2 अपॉन में आ गया 4। अब आप एक दफ़ा प्लस में कर लीजिए, एक दफ़ा माइनस में कर लीजिए, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू -2√2 प्लस 4√2 अपॉन 4, और एक दफ़ा कर लीजिए और करके -2√2 -4√2 अपॉन 4। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छी तरह से आपको नज़र आए। तो एक आपके पास आ गया साइन एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए 4 में से 2 गया -2√2 और 4√2, 4 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन 4 कॉमा -4 - 2 कितना होता है -6, -6√2 / 4। तो यहाँ से आपके पास साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 × 4 √2/2, और 6/4 को अगर आप काटेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, -3√2
अपॉन टू हो जाएगा, और आप इसको मजीद इस तरह भी लिख सकते हैं, रूट टू अपॉन टू, ये क्या होता है, वन अपॉन रूट टू, और ये भी हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन रूट टू। अब आप अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अलग अलग वैल्यूज़, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये। एक दफ़ा आप ले लेंगे साइन एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट टू, और एक दफ़ा आप ले लेंगे साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन रूट टू। तो यहाँ से आपके पास साइन का एंगल क्या आ जाएगा, अगर आप साइन को वहाँ उठा के लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू। और साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू के लिए मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो शिफ्ट दबाएं, साइन इनवर्स दबाएं, वन डिवाइड बाय रूट टू, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया पाई बाय फोर। मैंने अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में किया हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया पाई बाय फोर। लेकिन क्या वन अपॉन रूट टू सिर्फ पाई बाय फोर पर भी आता है? नहीं, बल्कि थ्री पाई बाय फोर पर भी आता है। सही है जनाब, आप ये चेक कर लीजिएगा, थ्री पाई बाय फोर भी। मैं एक मिनट, एक चीज़ में चेक कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। यस, बिल्कुल सही है, थ्री पाई बाय फोर पर भी आप चेक करेंगे तो आपको वन अपॉइंट टू मिलेगा। यानी कि इसकी सेटिंग इस तरह बनती है स्टूडेंट्स, देखिए पाई बाय फोर है ना पहला एंगल, तो पाई बाय फोर साइन पाई बाय फोर अगर आप निकालेंगे तो वन अपॉइंट रूट टू होगा। और अगला एंगल किस तरह निकलता है कि आप पाई में से ये वाला माइनस कर दें पाई अपॉइंट फोर, तो फोर वन ज़ा फोर, फोर माइनस वन क्या हो जाएगा थ्री अपॉइंट फोर। अच्छा, अब इसका लिखेंगे हम, पहले रुक जाएँ, पहले इसको भी देख लेते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस थ्री अपॉन रूट टू। स्टूडेंट इसका तो आंसर कन्फर्म नो सोल्यूशन है, क्यों है मैं आपको बताता हूँ। शिफ्ट दबाएं, साइन इनवर्स दबाएं, थ्री डिवाइड बाय रूट टू ब्रैकेट, यस मैथ एरर आ गया। क्योंकि अगर आपके पास साइन की वैल्यू वन से बड़ी हो तो फिर उसका आंसर नो सोल्यूशन होता है, वन से बड़ी आ गई। सही है जनाब, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस टू एन पाई यूनियन थ्री पाई बाय फोर प्लस टू एन पाई, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने 2n पाई क्यों ऐड किया, बहुत अच्छा सवाल है आपका, मेरा जवाब भी बहुत अच्छा होगा। आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 13.2, जब मैंने शुरू करवाई थी तो मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे आंसर निकालते हैं, 2n पाई कब ऐड करते हैं कब ऐड नहीं करते। अभी तो मैंने आपको सिंपल इसको सॉल्व करके दे दिया है, बट इसकी डिटेल के लिए काइंडली थोड़ा सा टाइम निकाल लें, एक्सरसाइज 13.2 मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आपको इंशाल्लाह एक दफ़ा वो आपने देख लिया तो फिर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपको इंशाल्लाह ज़रूर 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 समझ में आएगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमारा सेक्शन बी 100% ख़त्म हो चुका है। सेक्शन ए मॉडल पेपर का 25 MCQs थे वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। सेक्शन बी का जो पहला वाला था क्वेश्चन 2 और 3 जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और अलजबरा किया था वो भी हो चुका है, और आज ट्रिग्नोमेट्री भी ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास आखिरी चीज़ रह गई है मॉडल पेपर की, सेक्शन सी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर ये भी ख़त्म हो जाएगी, तब तक के लिए आप वो प्रैक्टिस करें, आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, पूरे 10 ईयर्स के MCQs मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, वो आपके पास इतना मटेरियल है कि आपको अब इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ घर में बैठें, अपना मोबाइल या लैपटॉप या PC ऑन करें और बस मेरे लेक्चर देखने शुरू कर दें, देखिएगा इंशाल्लाह आपके कैसे 100 में से 100 आते हैं। तो स्टूडेंट आप तमाम बच्चों से एक और ख़ास रिक्वेस्ट है, काइंडली मुझे दुआओं में याद रखिए,
और उसके साथ साथ अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करवाइएगा ताकि सबका फ़ायदा हो। यकीन करें हमें इल्म को फैलाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि यार अगर मैंने ये लेक्चर सर आसिम का अपने दोस्त को दे दिया तो उसके भी ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा नंबर सिर्फ उसके आएंगे जो ज़्यादा मेहनत करेगा, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैथ विद सर आसिम की जानिब से अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।